या असल वजह ये है कि यहाँ लाखों कबाइल जो है ना इस मंडी पे इसके दारोमदार है। यहाँ पर कुर्बानी के लिए बकरे दुम्बे गाय वगैरह लेते हैं ना, तो असल परेशानी ये कि तोरखान गेट जो है ना ये भी ब्लॉक है, इधर माल नहीं छोड़ते। आखिर इन लोगों का कसूर किया है? ये मंडी देखो एक चाप एक भी नहीं है, अगर है तो 10,000 रुपए वाला 30,000 रुपए में मिलते हैं। ये गरीब लोग कहाँ से लाते हैं, कहाँ से लाते हैं गरीब लोग? हुकूमत से अपील है कि या इधर से छोड़ दे या उधर से छोड़ दे, जो हम तजारत के लिए नहीं लाते, एक कुर्बान के लिए थे, सुन्नत इब्राहिम के लिए लाते, तो छोड़ दे एक दो। इस पर ये पाबंदी जो है ये ख़त्म कर दे, वहाँ से अफगानिस्तान पर जो है ना वहाँ से जो माल आता है उस पर पाबंदी कर है, ये ख़त्म कर दे ईद कुर्बान के लिए। बाद में जब जो करना है कर ले, अब ईद कुर्बान के लिए तो छोड़ दे, हम क्या करेंगे? नहीं करेंगे, बस यही वजह है कि नहीं करेंगे। अगर करना है तो माल छोड़ दे, या वहाँ से छोड़ दे या यहाँ से छोड़ दे। ये लोगों को बड़ा मुश्किल है, बहुत तकलीफ है। 10,000 वाला ये मंडी में 4-5 जो है 30,000 रुपये पे मिलता है, 30,000 रुपये हम कहाँ से लाते? गरीब है, सब लोग गरीब है। हम अपील है हुकूमत से कि मुश्किल जो है कबाइलों का ये हल कर दे। मुश्किल तो काफ़ी ज़्यादा है, मान लीजिए इसी वजह से मुश्किल है, और हम हुकूमत से अपील करते हैं कि अफगानिस्तान में हज़ारों माल उधर मवेशी जो है वो फंसे हुए हैं, उधर न पानी मिलता है न खुराक मिलता है, इधर आवाम मंडी में घूमते हैं, माल नहीं है। हम हुकूमत से अपील करते हैं कि अफगानिस्तान जो माल फंसा हुआ है उसको इजाज़त दे कि इधर सुन्नत इब्राहिम जो है वो काम पूरा हो जाए, लोग कुर्बानी के लिए जो माल लाना है वो खरीद लें। मुश्किल तो बहुत सी मुश्किल है, इसलिए कि बॉर्डर पे दुम्बे पर टैक्स लगाया है 500 रुपया, और ये सरासर जुल्म है। हम आवाम से निकालता है ये जुल्म, और ये खाना बदोश के लोग हैं, ये आते जाते हैं, इस पर ना कोई टैक्स लगाया है कभी किसी ने, और ना कोई रुकता ही है, और मंडी में एक दुम्बा भी नहीं है। हमारे लोगों को बहुत तकलीफ़ है, हम एहतजाज पे मजबूर हैं कि हम एहतजाज निकालेंगे, क्योंकि कुर्बानी के दुम्बे पर टैक्स लगाना या नहीं छोड़ना ये सरासर जुल्म है। जी उधर अफगानिस्तान की बॉर्डर से माल जो जानवर आते हैं वो बॉर्डर में नहीं छोड़ते, इधर लोग मवेशी मंडी में आते हैं, जानवर नहीं मिलते है, लोग आते हैं जाते हैं वापस घर जाते हैं क्योंकि माल नहीं मिलते है। इधर मुश्किल है आवाम की क्योंकि कुर्बानी की जानवर नहीं मिलते, उधर बॉर्डर पर टैक्स भी लेते हैं और माल भी जानवर भी नहीं छोड़ते, और क्योंकि जब जानवर छोड़ते हैं तो फिर 500-600 रुपया टैक्स भी लेते हैं, तो आवाम को बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये मुश्किल आवाम के लिए बहुत मुश्किल है। तो हम हुकूमत से ये मदद मांगते हैं, हुकूमत से ये अपील करते हैं क्योंकि हमारा हम मसला हल करें, क्योंकि उधर बहुत मुश्किल है, आवाम की आवाम को भी बहुत मुश्किल है, और लोग इधर बहुत परेशान हैं।